अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं शामिल करूंगी 1 कप मैदा। इसके बाद मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हसबे ज़रूरत और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल कर लेंगे और इसका एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है और इसकी हमने कंसिस्टेंसी थिक ही रखनी है, क्योंकि जब हम कोट करेंगे तो कोट सही लगेगा, अगर पतला होगा तो कोट सही नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ शामिल करूँगी 2 कप मैदा। इसके बाद मैं शामिल करूँगी नमक हसबे ज़रूरत, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये शामिल कर लेंगे और इसका हमने ड्राई बैटर रखना है, इसे अब मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब आलू को इसमें कोट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से शेप में कट कर लिया है। सबसे पहले लिक्विड बैटर में कोट करेंगे और उसके बाद ड्राई बैटर में कोट करेंगे। तो अब इसे ड्राई बैटर में कोट करेंगे। तो जब हम ड्राई बैटर में डालेंगे तो सबसे पहले हमने इसे प्रेस करना है और उसके बाद इसे रब करना है। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। और अब इसे रब करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कोट करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे रखना नहीं है, अगर हम इसे रखेंगे तो इसका बैटर जो है वो ड्राई नहीं रहेगा और जिस तरह से हमें क्रिस्पी चाहिए वो उस तरह से नहीं बनेगा। तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो पहले ही गर्म करने रख दिया था, इसमें शामिल कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे भी इसमें शामिल करते जाएंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे और दूसरे भी बस इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।